अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत ही खुश होंगे। आज हम बनाएंगे समोसा पट्टी, पंजाबी समोसे की जो क्रिस्पी सी पट्टी होती है, आज हम वो बनाएंगे। तो उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये मैदा लिया है, ये जो प्योर पाकिस्तानी मैदा होता है वो है मेरे पास, क्योंकि मैंने ऑल पर्पज़ फ्लावर से, पैटर्न फ्लावर से, हर तरह के फ्लावर से समोसा पट्टी बनाने की ट्राई की, मगर किसी में भी वो क्रिस्पीनेस और वो टेस्ट नहीं आया जो कि इस मैदे में है। तो मैंने पाकिस्तान से मंगवाया है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो किसी देसी स्टोर से आप मैदा ही बाय करें, इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है। तो ये मैंने 2 कप लिया है। इसके अलावा मुझे चाहिए होगा नमक 1/2 टीस्पून, थोड़े से कलवंजी के सीड्स हैं मेरे पास। अगर आपके पास अजवाइन ना हो तो आप ये यूज़ कर लें, वरना आप अजवाइन भी डाल सकते हैं 1/2 टीस्पून। और तकरीबन मैं 2 जो टेबल स्पून है वो इसमें देसी घी के डालूंगी, देसी घी मैंने लिया है। साथ ही ये मेरे पास 1 कप पानी है, इसको मैंने नीम गरम कर लिया है, यानी ये बॉइलिंग वाटर नहीं है इतना, ये बस हल्का सा गर्म है कि ठंडा नहीं है और ना ही बहुत गर्म है कि इसमें उंगली डिप करो तो फिंगर के इर्द गिर्द पानी का एहसास नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करके गूंद लेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको। आपने पुराना हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि इसकी डो हमेशा सख्त होनी चाहिए, लेकिन मैंने नोटिस किया कि जब आप इसकी डो रोटी के आटे की तरह नरम रखते हैं तो समोसे ज़्यादा फूलते हैं, ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। वरना वो अगर सख्त डो हो तो सम टाइम वो बहुत ही सख्त से, हार्ड से और च्यूई से, ग्यूई से बन जाते हैं डो। तो उससे अवॉइड करने के लिए बेहतर है कि आप इसको रोटी के आटे की तरह गूंदें। और ये इजी भी है आपके लिए हिसाब, जिस तरह आप रोटी बनाते हुए आटा नरम रखते हैं इसी तरह इसको नरम रख के गूंदें। तो मैं ये गूंद लेती हूँ मिक्स करके सब कुछ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। ये देखें, डो को मैंने अच्छी तरह गूंद लिया है और इस वक्त ये बहुत ही सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ऑयल लगाया है और अब हम इसे ढक के 30 मिनट के लिए रख देंगे, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी पट्टी किस तरह से बनानी है। तो अभी हम इसको ढक के छोड़ देंगे। ये देखें, 30 मिनट्स के बाद मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं, बहुत ही सॉफ्ट आटा था, आराम से पेड़े बन गए हैं। अब मैं इनको बेल लूँगी, और रोटी जो आपने इसकी बेलनी है बहुत पतली नहीं बेलनी, थोड़ी थिक रखनी है, क्योंकि समोसा जो आपको बाज़ार में मिलता है उसकी डो थोड़ी थिक होती है। तो अभी हम बेल लेंगे, एक एक रोटी आप बेलते जाएँ, उसके ऊपर आप हल्का सा जो है आटा डस्ट कर लें, ये मैदा लगा लें, और उसके ऊपर आप दूसरी रख लें, इस तरह एक दूसरे के साथ चिपकेंगी नहीं। तो अभी मैं बेल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट कैसे इसको रखना है आपने। ये देखिए, समोसा पट्टी हमारी रेडी है, इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, और अभी भी ये बड़े आराम से अलग हो रही हैं जबकि मैंने इसको इकट्ठा रखा हुआ है। अगर आपने इसको फ्रीज़ करना हो तो आप इनके दरमियान में बटर पेपर रख के 1 बाय 1 करके इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। और उम्मीद है कि मेरी ये टिप्स और ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। अगर मेरा ये तरीका आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।